सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फाइनली इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं Redmi Note 10 Pro के बारे में, जो कि Redmi की तरफ से लेटेस्ट अपकमिंग डिवाइस होने वाला है। और ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि Redmi का Note लाइनअप सीरीज जो कि इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, Redmi Note 10 Pro जो कि 5G डिवाइस होने वाला है, 5G इनेबल्ड चिपसेट इस फोन के अंदर देखने को मिलेगा और चिपसेट भी ऑलमोस्ट कन्फर्म है कि स्नैपड्रैगन की तरफ से होने वाला है। तो इससे कन्फर्म होता है कि अपकमिंग Redmi Note 10 Pro जो कि इंडिया के अंदर हम लोग को बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, वो भी मिड रेंज के प्राइसिंग में। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगे तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिए और वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स जंप इनटू द वीडियो। स्टार्ट करते हैं डिस्प्ले से। तो डिस्प्ले फोन का ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है, 6.7 इंच का डिस्प्ले फोन के अंदर देखने को मिलेगा। तो डिस्प्ले साइज में बहुत बड़ा डिस्प्ले फोन के अंदर देखने को मिल रहा है और फुल HD प्लस के रेजोल्यूशन के साथ आने वाला है, जहां पे सुपर एमोलेड का पैनल और डिस्प्ले में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। डिस्प्ले में H2H डिस्प्ले देखने को मिलेगा, डिस्प्ले में कहीं भी कटआउट नहीं रहने वाला है, फुल व्यू डिस्प्ले देखने को मिलेगा। तो नो डाउट इस फोन के अंदर सेल्फी के लिए पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा और जैसे कि डिस्प्ले में चिन और बेजल्स भी बहुत पतला देखने को मिलेगा। सुपर एमोलेड का पैनल इस फोन के अंदर देखने को मिल रहा है, तो नो डाउट यार इस फोन के अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा। परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं तो परफॉर्मेंस भी इस फोन का ऑलमोस्ट कंफर्म है। स्नैपड्रैगन 760 5G चिपसेट इस फोन के अंदर देखने को मिलेगा, जो कि स्नैपड्रैगन की तरफ से लेटेस्ट चिपसेट है और बहुत ही पावरफुल चिपसेट है और मिड रेंज के प्राइसिंग में डुअल 5G नेटवर्क कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है। चिपसेट 2.6 GHz पे क्लॉक है। रैम के बारे में बात करते हैं तो 6GB 64GB, 6GB 128GB और 8GB 256GB और ये फ़ोन एंड्रॉयड 11 के साथ आने वाला है, जहाँ पर MIUI 12 का सपोर्ट देखने को मिलेगा और लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग इस फोन के अंदर हम लोगों को NFC का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। कैमरे के बारे में बात करते हैं तो कैमरा भी इस फोन का ऑलमोस्ट कंफर्म है। पेंटा रेयर कैमरा सेटअप इस फोन के अंदर देखने को मिलेगा, जहां पे प्राइमरी कैमरा मिलने वाला है 108 मेगापिक्सल का, फॉलोड बाय 20 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, फॉलोड बाय 16 मेगापिक्सल टेलीफोटो लेंस, फॉलोड बाय 5 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर, फॉलोड बाय 2 मेगापिक्सल माइक्रो सेंसर। लेटेस्ट कैमरा सेंसर इस फोन के अंदर देखने को मिल रहा है 108 मेगापिक्सल का। तो रेयर के साइड में कैमरा इस फोन के अंदर हम लोग को बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। बात करते हैं फ्रंट फेसिंग कैमरे के बारे में। फ्रंट में देखने को मिलेगा 44 मेगापिक्सल का AI पॉपअप सेल्फी कैमरा। बैटरी के बारे में बात करते हैं तो बैटरी भी ऑलमोस्ट इस फोन का कंफर्म हो चुका है। 5500 mAh का बैटरी इस फोन के अंदर देखने को मिलेगा। तो इस फोन के अंदर बैटरी थोड़ा सा इंक्रीज किया गया है और डेली यूजर्स के लिए बैटरी इस फोन के अंदर हम लोग को बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। 5500 mAh का बिगर बैटरी इस फोन के अंदर देखने को मिल रहा है। चार्जिंग के लिए 55W का एक फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा, जो कि स्मार्टफोन के बॉक्स में ही आने वाला है और टाइप सी पोर्ट और 3.5mm का ऑडियो जैक भी इस फोन के अंदर देखने को मिलेगा। प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं तो प्राइसिंग भी ऑलमोस्ट इस फोन का कंफर्म हो चुका है। Redmi Note 10 Pro का प्राइसिंग होने वाला है 15,000 से 20,000 रुपये के रेंज में, 15,000 से 20,000 रुपीज़ के रेंज में। तो मिड रेंज के प्राइसिंग में Redmi Note 10 Pro जो कि बहुत अच्छा स्मार्टफोन होने वाला है। अगर आप लोग Redmi Note 10 Pro के लिए वेट करना चाहते हैं, वेट कर सकते हैं, क्योंकि मिड रेंज के प्राइसिंग में बहुत अच्छा स्पेक्स इस फोन के अंदर देखने को मिल रहा है और स्नैपड्रैगन 760 5G चिपसेट देखने को मिल रहा है, जो कि डुअल 5G कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है। तो अगर आप लोग Redmi Note 10 Pro के लिए वेट करना चाहते हैं, वेट कर सकते हैं, क्योंकि Redmi Note 10 Pro के अंदर हम लोग को 5G का सपोर्ट देखने को मिल रहा है, वो भी मिड रेंज के प्राइसिंग में। 15,000 से 20,000 रुपए के प्राइसिंग में आप लोगों को 108 मेगापिक्सल का पेंटा रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा है। तो यार और क्या चाहिए मिड रेंज के प्राइसिंग में। होप करता हूं आप लोगों को यह वीडियो हेल्पफुल लगा है। अगर आप लोगों को यह वीडियो हेल्पफुल लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास बेल नोटिफिकेशन को भी इनेबल कर लीजिए। तो मैं मिलता हूं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।